हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस एक्वेरियम में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके एक्वेरियम के लिए कौन सा फिल्ट्रेशन सिस्टम बेस्ट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना स्पॉन्ज फिल्टर की। दोस्तों स्पॉन्ज फिल्टर में कुछ खास नहीं होता है, वो खाली एक स्पॉन्ज का आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाएगा। उसमें एक नीचे प्लास्टिक की तली होती है जो कि नीचे चिपक जाती है, उसके अंदर हम अपना एयर पंप का पाइप डालते हैं जिसके थ्रू बबल्स निकलना शुरू होते हैं। और वो जब बबल्स निकलते हैं तो उसमें जो वैक्यूम जनरेट होती है उसके थ्रू वो स्पॉन्ज गंदगी को अपने अंदर एक्सेप्ट करता रहता है। ये काम होता है स्पॉन्ज फिल्टर का। तो दोस्तों स्पॉन्ज फिल्टर का यूज़ हम किन एक्वेरियम में करते हैं। दोस्तों स्पॉन्ज फिल्टर का यूज़ किया जाता है छोटे एक्वेरियम में, यानी कि अगर आपका एक्वेरियम 1.5 फीट से छोटा है तो आप उसमें स्पॉन्ज फिल्टर का यूज़ करें। और मेनली जो वर्क स्पेशली बनाया गया है स्पॉन्ज फिल्टर, वो आपकी छोटी फिशेस के लिए बनाया गया है। छोटी फिशेस पे जो है बड़े फिल्टर का जो फ्लो निकलता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो इसीलिए हम जो है स्पॉन्ज फिल्टर लगाते हैं। उसमें किसी तरह का एयर फ्लो नहीं होता जिसकी वजह से फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो स्ट्रेस में नहीं आती है। तो दोस्तों जैसे नियोन टेट्रा हो गई, गप्पीज हो गई, मोली हो गई, टाइगर बार्ब हो गई, ये जितनी भी हमारी छोटी फिशेज होती हैं इन सब के लिए हम स्पॉन्ज फिल्टर का यूज़ करते हैं। दोस्तों दूसरा जो फिल्टर हमारे पास आता है वो आता है इंटरनल पावर हेड फिल्टर, जो कि मार्केट में काफ़ी सारे मॉडल्स में अवेलेबल होता है। दोस्तों इन फिल्टर्स को हम लगाते हैं 2 फीट से लेकर के 3 फीट या 4 फीट तक के टैंक में हम इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े मॉडल्स आते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं तो हम उनको बड़े टैंक में ईजिली लगा सकते हैं। तो मेनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका टैंक 2 फीट से लेकर के 4 फीट तक का है तो आप इंटरनल पावर हेड फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको फिशेस भी आप बड़ी रखेंगे तो उस फिशेस को उस फिल्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वाटर फ्लो का उसको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों तीसरा जो फिल्टर हम यूज़ करते हैं वो करते हैं टॉप फिल्टर। टॉप फिल्टर मेनली जो लगाया जाता है वो 3 फीट से लेकर के 6 फीट के टैंक तक हम इजीली टॉप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप फिल्टर का भी यही काम होता है कि उसमें से एक पाइप की वायर जाती है जो आपकी बॉक्स में डल जाती है, तो जितनी भी एक्वेरियम के अंदर गंदगी फिश करती है, जो भी फिश फूड डालते हैं या पूप करती है, वो सब पावर हेड उसको सक करके उस पाइप के थ्रू पर बॉक्स में डालता रहता है और वो स्पॉन्ज में जा करके इकट्ठा होती रहती है। महीने में 15 दिन में एक बार हम उस स्पॉन्ज को निकाल के या तो वॉश कर लेते हैं या बदल देते हैं। तो ये काम होता है टॉप फिल्टर का। तो दोस्तों आप अपने एक्वेरियम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका एक्वेरियम कितना बड़ा है और आपके एक्वेरियम के लिए कौन सा फिल्टर बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको हाई होप अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको कोई कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। या आप मेरे जो है इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, आप वहाँ पर मुझसे अपने कमेंट्स या अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों 3 तरह के ये फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अगली जो वीडियो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा फिल्ट्रेशन सिस्टम में हमारा सम्प भी आता है और कैनिस्टर फिल्टर भी आता है, तो उनका हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कितने बड़े टैंक में कर सकते हैं। तो दोस्तों वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप अपने एक्वेरियम का देखिए कितनी आपने फिशेस रखी हैं, उसी हिसाब से आप अपने एक्वेरियम में उस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में, जब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कुछ भी हो, आप मुझे बता सकते हैं, या आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए वीडियो दूंगा और क्वेश्चन का भी मैं आपके आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी हॉबी को जल्दी से आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो से, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।